नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी टुडे न्यूज़ पर। आज आपके लिए बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट अपडेट लेकर आया हूँ जो कि निकल के आ चुका है DRDO की तरफ से। कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिसको आप फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करेंगे तो सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट के रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे। आप चेक करके अप्लाई जो है वो कर पाएंगे। फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ही सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रिक्रूटमेंट अपडेट के ऊपर और वहीं पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ इस रिक्रूटमेंट के बारे में। सबसे पहले नोटिफिकेशन डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आउट किया गया है, जिसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ये नोटिफिकेशन के लिए, सबसे पहले तो अप्रेंटिस की वैकेंसीज हैं जिनके लिए आपको अप्लाई करना है, जिसमें अप्रेंटिस ग्रेजुएट अप्रेंटिस की हैं, बी बी टेक वाले कैंडिडेट, ई सी ई ई ई सी एस सी एंड मैकेनिकल वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 40 वैकेंसीज आउट हुई हैं। उसके बाद है टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए, जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है ई सी ई ई ट्रिपल ई में, ठीक है, सी एस सी में मैकेनिकल केमिकल के अंदर, तो अप्लाई कर सकते हैं। 40 वैकेंसीज यहाँ पे जो है वो आउट करी गई हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस की वैकेंसीज हैं, जहाँ पे आप 10th+ IT आपने की हुई है तो आप इसके अंदर अप्लाई जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं वो आप देख सकते हैं, फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन एंड कोपा मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की हैं, जिसके लिए 120 वैकेंसीज टोटल आउट हुई हैं, जिसके लिए आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इन वैकेंसीज के लिए, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है जो कि drdo.gov.in पे जाके ही आपको अप्लाई करना होगा, या फिर आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा nets.education.gov.in पे, वहाँ पे भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट रेलिवेंट डिसिप्लिन में हैं, 18 से लेके उनकी एज है इन मिनिमम, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट बात करूँ, विद इन 21 डेज़ आपको जो है इसके लिए अप्लाई जो है वो करना होगा। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ नोटिफिकेशन के बारे में, JRF की वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके लिए ग्रेजुएशन आपने रेलिवेंट डिसिप्लिन में की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारे के सारे लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे, तो चेक करके ज़रूर से अप्लाई कर लीजिएगा। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ही सकते हैं। मैं आपके लिए सभी तरह की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट जो है वो लेकर आता ही रहता हूँ। ये आज का नोटिफिकेशन है। अब मैं आपको मिलूंगा नई नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद जी।